नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना महामारी ने विश्व व्यवस्था को नया रूप देने और नए विचारों के लिए अवसर दिया है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आज कोविड की स्थिति पर राज्यपाल और उपराज्यपाल के साथ बातचीत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, बढ़ते कोरोना के बीच देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं। महाराष्ट्र सरकार कोरोना की श्रृंखला तोड़ने के लिए आज रात 8 बजे से 15 दिन के लिए सख्त प्रतिबंध लगाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश के राजमार्गों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नेटवर्क सर्वे व्हीकल कार्यक्रम शुरू करेगा। राष्ट्र आज भारतीय संविधान निर्माता डॉ बीआर आम्बेडकर की 130वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। रमजान का पावन महीना आज से शुरू। देश के विभिन्न भागों में आज परंपरागत नववर्ष तमिल पुथांडु, विशु, रोंगाली बिहू, नववर्ष और वैशाखदी मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रन से हराया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं लवली निगम। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड 19 महामारी ने पूरी विश्व व्यवस्था को नया रूप देने और नए विचारों के लिए अवसर दिया है। रायसीना संवाद की 6वीं कड़ी का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूरी मानव जाति तब तक इस महामारी को मात देने में सफल नहीं होगी जब तक विश्व के हर स्थान के लोग इससे उबर न जाएं। द कोविड 19 पेंडेमिक हैज प्रेजेंटेड अस एन अपॉर्चुनिटी टू रीशेप द वर्ल्ड ऑर्डर, टू रीओरियंट अवर थिंकिंग। वी मस्ट क्रिएट सिस्टम्स दैट एड्रेसेस द प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे एंड चैलेंजेस ऑफ टुमारो, एंड वी मस्ट थिंक ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी एंड नॉट मेयरली ऑफ दोज हु आर ऑन आवर साइड ऑफ द बॉर्डर्स। ह्यूमैनिटी एज अ होल मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ आवर थिंकिंग एंड एक्शन। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने अनेक व्यवधानों के बावजूद 80 से अधिक देशों को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान भारत ने अपने 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों को बचाने के साथ साथ अन्य देशों को भी सहयोग उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने विश्व नेताओं से भूख और गरीबी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए भी एकजुट होकर सहयोग करने को कहा। श्री मोदी ने पृथ्वी के संरक्षण का महत्व उजागर करते हुए कहा कि लोग योजना ए और योजना बी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्लैनेट बी विकल्प होना संभव नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि रायसीना संवाद की यही कड़ी मानव इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर में संपन्न हो रही है। This edition of Raisina Dialogue takes a place at a watershed moment in human history. A global pandemic has been ravaging the world for over a year. The last such global pandemic was a century ago. Although humanity has faced many infectious diseases since then, the world today is underprepared to handle the COVID-19 pandemic. Our scientists, researchers and industry have answered some questions. What is the virus? How does it spread? How can we slow it down? How do we make a vaccine? How do we administer vaccine at scale and with speed? To these and many other such questions, many solutions have emerged and no doubt many more are yet to come. रायसीना संवाद का आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किया है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड महामारी के बारे में राज्यपालों और उपराज्यपालों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। श्री मोदी ने बढ़ते संक्रमण से कारगर ढंग से निपटने के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर बल दिया था। उन्होंने राज्यों से महामारी की रोकथाम के उपाय तेज करने को कहा था। एक रिपोर्ट। यह संवाद ऐसे समय हो रहा है जब देश में कोरोना संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और केंद्र सरकार द्वारा इस पर नियंत्रण के लिए लगातार कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यपाल और उपराज्यपालों के साथ यह बैठक इस मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार इस महामारी पर नियंत्रण की दिशा में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। यह बैठक प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद के कुछ दिनों बाद हो रहा है, जहां श्री मोदी ने राज्यों से कोविड महामारी से लड़ाई में राज्यपाल की भागीदारी पर भी जोर दिया था। प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया था कि इस पहल से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और विभिन्न क्षेत्र के लोगों को एक साथ लाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि पिछले साल मार्च महीने में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी राज्यपालों से संवाद किया था, जब देश में कोरोना के मामले सामने आने लगे थे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार कोविड से बचाव के लिए विदेशी टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति शीघ्र देने की प्रक्रिया में है। इससे देश में टीकाकरण की गति और इसका दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि वह ऐसे विदेशी टीकों की तेजी से अनुमति देने का प्रयास कर रहा है जिनके आपात इस्तेमाल की अनुमति अमरीकी खाद्य औषधि प्रशासन, यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी और अन्य कई दवा नियंत्रकों द्वारा पहले ही दी जा चुकी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया, बाहर के जो विदेश में बने हुए वैक्सीन हैं, अगर उनको यूएस के रेगुलेटर ने, यूके के रेगुलेटर ने, ईयू के रेगुलेटर ने और जापान के रेगुलेटर ने अप्रूव किया है या डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लिस्ट में इंक्लूड हो गया है, देन दैट और दोज वैक्सीन आर अप्रूव्ड फॉर यूज इन इंडिया। अ प्रायर प्री कंडीशन ऑफ अ क्लिनिकल ट्रायल विल नॉट बी एप्लीकेबल एंड दिस इज अ प्रोविजन फॉर कोविड 19 वैक्सीन ओनली अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसिस ऑफ the day of the pandemic related urgency that is prevailing in the country. केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या राज्यों में इसके बेहतर प्रबंधन की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों से आग्रह किया कि वे वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा करें और मांग के अनुरूप आपूर्ति की उचित व्यवस्था करें। राज्यों के पास जो उपलब्धता है, अनयूटिलाइज्ड डोजेज अवेलेबल विद द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, उसकी संख्या 1,67,20,000 से अधिक। इस माह में यानी अभी से लेकर अप्रैल माह के अंत तक जो सप्लाई राज्य सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों को प्राप्त होगी वो 2,01,22,960 डोजेज की है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि समस्या बेहतर प्लानिंग की है, समस्या डोजेस के अभाव की नहीं है। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 13,10,00,000 से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। श्री भूषण ने वैक्सीन की बर्बादी पर चिंता प्रकट की। केरल जैसे राज्य हैं जहां शून्य वेस्टेज है, दूसरी तरफ अनेक ऐसे राज्य हैं जहां आज भी 8 या 9% वेस्टेज है। तो अगर वेस्टेज को मिला दें और कंजम्पशन को देखें तो राज्यों ने 11,43,00,000 डोजेज का इस्तेमाल किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कोविड संक्रमण में हाल की बढ़ोतरी के बीच देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री ने विश्व बैंक समूह के प्रमुख डेविड मालपास के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था की गति को ठप नहीं करना चाहती और कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर कई उपाय किए जा रहे हैं। The continuous interaction between the center and state, the prime minister engaging with the chief ministers of the provinces have kept the information sharing between the center and states going very well. Even with the second wave, we are very clear that we are not going in for lockdowns in a big way. We don't want to totally arrest the economy. Local level isolation of patients or households which have people in quarantine are the methods through which
the crisis will be handled, the second wave will be handled. There shall not be a lockdown. Industry has also been speaking with us, both with the provincial governments and with the central government. वित्त मंत्री ने महामारी की रोकथाम के लिए परीक्षण, संपर्कों का पता लगाने, उपचार, टीकाकरण और एहतियाती उपायों की पांच सूत्रीय रणनीति का उल्लेख किया। श्रीमती सीतारामन और श्री मालपास ने कोविड टीकाकरण, आर्थिक रिकवरी, विश्व बैंक समूह से भारत के लिए ऋण सहयोग तथा पर्यावरण अनुकूल और समावेशी विकास की भारत की कार्यनीति सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। वित्त मंत्री ने विकास के लिए धन की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत के लिए ऋण का दायरा बढ़ाने की विश्व बैंक समूह की पहल का स्वागत किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक दिन में सर्वाधिक 13,468 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय राजधानी में 43,000 से अधिक लोगों का कोरोना उपचार चल रहा है। 7,972 लोगों को उपचार के बाद स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। अब तक कुल 6,95,210 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस बीच दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने कोरोना रोधी टीका लगवाने वालों को संपत्ति कर में 5% के अतिरिक्त छूट की घोषणा की है। निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष राजदत्त गहलोत ने कहा कि यह निर्णय लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। संपत्ति कर में 5% की विशेष छूट 30 जून तक संपत्ति कर का पूर्ण भुगतान करने पर मिलने वाली 15% छूट से अलग होगी। छूट प्राप्त करने के लिए परिवार के सभी पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में अभी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कल कोविड स्थिति पर समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल रात का कर्फ्यू लगाया है और लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जांच, निगरानी और उपचार के लक्ष्य के अनुसार कोविड रोकथाम की प्रभावी कार्रवाई जारी रखें। राज्य सरकार कोविड जांच बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में 12 आरटीपीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करेगी। राज्य सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं में कोविड जांच की दरें भी निर्धारित कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में आरटीपीसीआर जांच के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 1.5 लाख परीक्षण किए जाने चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड महामारी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक जिले के लिए 1-1 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। प्रदेश के 52 जिलों के लिए जारी की गई 52 करोड़ रुपए की राशि कोविड-19 के लिए आवश्यक उपकरणों के क्रय, पुनर्वास शिविरों में भोजन और कपड़े की व्यवस्था, मेडिकल शिविरों के संचालन, आवश्यक कार्यों में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्रय की जाने वाली सामग्री और साफ सफाई जैसे कार्यों पर व्यय की जा सकेगी। मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध करवाई गई राशि के व्यय के संबंध में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक अंतर विभागीय समिति का गठन किया जाएगा। अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता भी सुनिश्चित जा रही है। मुख्यमंत्री चौहान ने चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ की सेवानिवृत्ति अवधि बढ़ाई जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, यदि वे चाहें तो उन्हें संविदा पर रखा जा सकेगा। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में भी कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार कई आवश्यक उपाय कर रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड अस्पतालों, कोविड केयर सेंटर और आइसोलेशन केंद्रों में चिकित्सकों के साथ ही अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने कहा है कि जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ डॉक्टरों के साथ ही नर्सिंग तथा पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी कोविड मरीजों के इलाज में लगाई जाए। इसके साथ ही यह निर्णय भी लिया गया है कि नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की सेवाएं भी कोविड मरीजों के इलाज के लिए ली जाएंगी। कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर रायपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 60 निजी अस्पतालों को अनुमति दी गई है। वहीं राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों वाला अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया गया है। राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों में भी छात्रावासों और निजी स्कूलों का अधिग्रहण कर उन्हें आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
अहमदाबाद में जीएमडीसी मैदान पर गुजरात विश्वविद्यालय के सम्मेलन सह प्रदर्शनी केंद्र को 900 बिस्तरों के कोविड देखभाल अस्पताल में परिवर्तित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्र ने डीआरडीओ द्वारा कोविड देखभाल अस्पताल स्थापित करने के गुजरात सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। एक अभूतपूर्व पहल में अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय के कन्वेंशन कम एग्जीबिशन सेंटर को 900 बेड के एक समर्पित कोविड केयर अस्पताल में परिवर्तित किया जाएगा। गुजरात सरकार द्वारा यह अस्पताल भारत सरकार और डीआरडीओ के सहयोग से स्थापित की जाएगी। सभी 900 आईसीयू बेड ऑक्सीजन और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं से लैस होंगे, जिसमें से 150 बेड में वेंटिलेटर की भी सुविधा होगी। जरूरत पड़ने पर इस समर्पित कोविड केयर अस्पताल की क्षमता में 500 अतिरिक्त बेड भी बढ़ाए जा सकेंगे। इस अस्पताल में एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन, हेल्पलाइन, मरीजों के फ्रेश होने के लिए कमरे और भोजन की सुविधा और डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों के लिए विश्राम कक्ष भी होंगे। इस अस्पताल का काम शुरू हो गया है और अगले 2 सप्ताह में तैयार हो जाने की आशा है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोविड महामारी की श्रृंखला तोड़ने के लिए पूरे राज्य में आज रात 8 बजे से 15 दिन के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। फेसबुक लाइव के माध्यम से राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि रोजाना बढ़ रहे कोविड के आंकड़े एक डरावना रूप ले चुका है और इस कारण राज्य भर में धारा 144 लागू होगी। इस अवधि के दौरान सार्वजनिक परिवहन पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन केवल आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को आने जाने की अनुमति होगी। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि वह राज्य सरकार को महाराष्ट्र के बाहर से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए भारतीय वायुसेना की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दे। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री से इसे राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा घोषित करने और राहत पैकेज देने पर विचार करने का आग्रह करेंगे। उन्होंने केंद्र से छोटे और मध्यम व्यापारियों को अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए 3 महीने का अधिक समय देने का भी आग्रह किया। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार अपनी ओर से गेहूं का रियायती राशन 3 रूपए प्रति किलो और चावल 2 रूपए प्रति किलो के हिसाब से 1 महीने की अवधि के लिए 7 करोड़ दिहाड़ी मजदूरों को प्रदान करेगी। विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत पंजीकृत घरेलू कर्मचारी, ऑटो रिक्शा लाइसेंस परमिट धारक और अन्य पंजीकृत लाभार्थियों को राज्य सरकार 1 महीने के लिए 1,500 रूपए का भत्ता देगी। उस राशि को सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सेवानिवृत्त सरकारी डॉक्टरों, नर्सों, स्वैच्छिक संगठनों से अपील की कि वे कोविड-19 की जंग का मुकाबला करने के लिए सरकार की सहायता करें। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केरल में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कल 7,515 नए मामलों की पुष्टि हुई। केरल में फिलहाल 52,132 कोरोना मरीज हैं। केरल में इस महामारी की रोकथाम के लिए नए प्रतिबंध लगाए गए हैं और टेलीमेडिसिन तथा ई संजीवनी सुविधा बढ़ा दी गई है। जनसभाओं में अधिकतम 200 लोग केवल 2 घंटे के लिए शामिल हो सकते हैं। राज्य की सभी दुकानें और रेस्तरां रात 9 बजे से बंद करना अनिवार्य किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने सभी देशों से खाद्य बाजारों में जीवित स्तनधारी वन्य जीवों की बिक्री स्थगित करने को कहा है। मनुष्य में 70% संक्रामक रोग इन्हीं वन्य जीवों से फैलते हैं। कोरोना वायरस के उद्गम का पता लगाने चीन के वुहान शहर गए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मिशन के सुझाव के मद्देनजर यह परामर्श जारी किया गया है। इस मिशन के अध्यक्ष और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी पीटर पेन एम्बारेक ने यह जानकारी दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दल ने वुहान के हुआनान बाजार का दौरा किया था, जहां से पहली बार लोगों में कोरोना संक्रमण का पता चला था। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना महामारी ने विश्व व्यवस्था को नया रूप देने और नए विचारों के लिए अवसर दिया है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आज कोविड स्थिति पर राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ बातचीत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं। महाराष्ट्र सरकार कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए आज रात 8 बजे से 15 दिन के लिए सख्त प्रतिबंध लागू करेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश के राजमार्गों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नेटवर्क सर्वे व्हीकल कार्यक्रम शुरू करेगा। राष्ट्र आज भारतीय संविधान निर्माता डॉ बीआर अंबेडकर की 130वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। रमजान का पावन महीना आज से शुरू। देश के विभिन्न भागों में आज परंपरागत नववर्ष तमिल पुंथांडू, विशु, रोंगाली बिहू, नबावर्ष और वैशाखड़ी मनाया जा रहा है
और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रन से हराया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नेटवर्क सर्वे व्हीकल एनएसवी कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। परियोजना पूरी होने का प्रमाण पत्र देते समय और इसके हर 6 महीने बाद राजमार्गों पर एनएसवी का उपयोग करके सड़कों की स्थिति का सर्वेक्षण किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कार्यक्रम से राजमार्गों की समग्र गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि एनएसवी सड़कों की स्थिति का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय डिजिटल कैमरा और लेजर रोड प्रोफिलोमीटर सहित आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले ने वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इस दौरान जिले ने 560 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण किया। इस योजना के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के 4 और जिलों को भी देश के उन 30 जिलों में शामिल किया गया है जिन्होंने इस दिशा में वरीयता हासिल की है। देश आज प्रमुख संविधान शिल्पी डॉ भीमराव अंबेडकर को उनकी 130वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। एक रिपोर्ट। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ कस्बे में हुआ था। आजादी के बाद वे देश के विधि और न्याय मंत्री बने। उन्हें 1990 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। न्यायवादी, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज के वंचित वर्गो के प्रति सामाजिक भेदभाव समाप्त करने के लिए जीवन भर अथक संघर्ष किया। उनका कहना था, राष्ट्र का निर्माण उसकी परंपराएं, संस्कृति, धर्म, जातियां और भाषाएं मिलकर ही करती हैं, इसलिए राष्ट्रवाद में संकीर्णता का कोई स्थान नहीं। राष्ट्र को जीवंत बताते हुए वे कहते थे, राष्ट्रीयता सामाजिक चेतना है और बंधुत्व की भावना इसी से विकसित होती है और संकीर्णता का विचार इसमें सबसे बड़ी बाधा है। सभी लोग अपने आप को भारतीय और केवल भारतीय समझें। किसी विशेष वर्ग को जाति से जोड़कर देखना बौद्धिक दरिद्रता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के विचार के साथ हमें समाज के सभी वर्गों के साथ आगे बढ़ना होगा, ताकि हम बाबा साहब के सपनों के भारत को वास्तविक रूप दे सकें। समाचार कक्ष से विजयलक्ष्मी कासोदिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंबेडकर जयंती पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने लोगों से अपने जीवन में डॉ अंबेडकर के आदर्शों को उतारकर एक सुदृढ़ और समृद्ध भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉ अंबेडकर को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का डॉ अंबेडकर का संघर्ष प्रत्येक पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो रहा है। नमाजियों ने कल रात कोविड निर्देशों का पालन करते हुए सीमित स्तर पर विशेष नमाज तरावी अदा की। कई मौलवी और विद्वानों ने मुसलमानों से रमजान के दौरान सरकार द्वारा जारी कोविड नियमों और मानकों का पालन करने की अपील की है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और 1 महीने का रोजा समाप्त होने पर ईद उल फित्र मनाया जाता है। केरल में रमजान का पावन महीना कल शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने रमजान के पावन महीने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि रमजान जरूरतमंद और वंचितों की सेवा करने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इसमें समानता, भाईचारा और करुणा की भावना मजबूत होती है। देश के विभिन्न भागों में आज परंपरागत त्यौहार तमिझिप पुंथाडू, रोंगाली बिहू, नववर्ष, वैशाखड़ी और मेष संक्रांति मनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि देश के विभिन्न भागों में नई आशा और उत्साह के साथ विभिन्न तरीकों से मनाए जाने वाले नववर्ष के ये त्यौहार विविध और बहुल परंपराओं के प्रतीक हैं। मेष संक्रांति के पावन अवसर पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पावन गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में हर की पौड़ी में डुबकी लगाई। तमिल कैलेंडर के अनुसार वर्ष का पहला महीना चितिरई का पहला दिन तमिल पुंथाडू आज श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है।
पूरे विश्व में केरल के लोग आज फसल कटाई और संपन्नता का उत्सव विशु हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस अवसर पर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। और अब खेल समाचार। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 152 रन बनाए। नाइट राइडर्स के आंद्रे रसेल ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 142 रन ही बना पाई। इस बीच राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर बेन स्टॉक्स बाएं हाथ की उंगली में चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो गए हैं। उधर मॉन्टे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव कोविड से संक्रमित होने के बाद टूर्नामेंट से हट गए हैं। हॉकी की बात करें तो कल ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना ने तीसरे अभ्यास मैच में भारत को हरा दिया। एक दिन पहले भारत ने अर्जेंटीना को 3-0 से हराया था। दोनों देशों के बीच अंतिम अभ्यास मैच आज खेला जाएगा। ओलंपिक में 20 किलोमीटर पैदल चार प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रियंका गोस्वामी कोविड से संक्रमित होने के बाद बेंगलुरु के भारतीय खेल प्राधिकरण में आइसोलेट हो गई है। उधर बैडमिंटन में ओलंपिक चैंपियन केरला मारिन और विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी केंटो मोमोता इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता में होंगी। यह प्रतियोगिता नई दिल्ली में 11 से 16 मई तक खेली जाएगी। यह टूर्नामेंट ओलंपिक क्वालिफिकेशन कैलेंडर का हिस्सा है और इसमें 33 देशों के 114 पुरुष और 114 महिला सहित कुल 228 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आकाशवाणी समाचार स्पोर्ट डेस्क। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, कोरोना से बचाव के लिए विदेशी वैक्सीन को देश में मंजूरी मिलने का रास्ता साफ होने की खबरें सभी अखबारों में हैं। नवभारत टाइम्स लिखता है विदेशी टीकों को मिलेगी झटपट मंजूरी। राष्ट्रीय सहारा कहता है स्पुतनिक को दी मंजूरी और टीके भी जल्द। टीबी के खिलाफ निर्णायक जंग पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन का यह कहना कि टीबी जन आंदोलन की सफलता पूरी तरह से जमीनी स्तर पर जनता तक पहुंचने पर निर्भर करती है, हिंदुस्तान में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की फ्रांस के विदेश मंत्री से बातचीत को हरी भूमि ने सुर्खी बनाया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र, द्विपक्षीय संबंधों और कोरोना बाद के साझा एजेंडे पर सहयोग के साथ काम करने पर हुआ विचार विमर्श। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की दिल्ली हाईकोर्ट को यह जानकारी कि निजता नीति उपभोक्ता का पीछा करने जैसी जनसत्ता में है। प्रवासी बच्चों को मिलने वाले लाभ का डेटा पेश करने का उच्चतम न्यायालय का आदेश लोकसत्य में है। पत्र लिखता है चाइल्ड राइट्स ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए गए। अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 12% की वृद्धि की जानकारी राष्ट्रीय सहारा में है। पत्र लिखता है संशोधित अनुमान से ज्यादा है अप्रत्यक्ष कर संग्रह। कश्मीर पर्यटकों से फिर होगा गुलजार, हिंदुस्तान ने सचित्र देते हुए लिखा है कश्मीर में बेशुमार ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें अब सरकार यूरोप की तर्ज पर स्मार्ट हेरिटेज में बदलेगी ताकि पर्यटक इन इमारतों के बारे में जान सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कोरोना महामारी ने विश्व व्यवस्था को नया रूप देने और नए विचारों के लिए अवसर दिया है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आज कोविड स्थिति पर राज्यपाल और उपराज्यपालों के साथ बातचीत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं। महाराष्ट्र सरकार कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए आज रात 8 बजे से 15 दिन के लिए सख्त प्रतिबंध लगाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश के राजमार्गों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नेटवर्क सर्वे व्हीकल कार्यक्रम शुरू करेगी। राष्ट्र आज भारतीय संविधान निर्माता डॉ बीआर आम्बेडकर की 130वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। रमजान का पावन महीना आज से शुरू। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।